हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी पढ़ाई बाय एम एन राही में। डियर्स, मैं हूं एम एन राही और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों की जो 10th की तैयारी है कैसी होनी चाहिए और वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास, तो आप कैसे तैयारी करें जो अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। मैं तो ये नहीं करूँगा कि एक महीना में आप टॉप कर जाओगे, ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक महीना में टॉप कर जाओगे। यदि आपने पढ़ा है साल भर थोड़ा थोड़ा कर भी, तो आप एक महीना में टॉप कर जाओगे। तो आइए सबसे पहले मैं एक मॉडल पेपर के बारे में आप लोगों को बता दूं जो बिहार बोर्ड रिलीज की है और इंटरनेट पर डाला हुआ है। तो इंटरनेट पर तो मोबाइल में तो क्या होता है, हर कोई जानते हैं, मोबाइल में अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, क्या पढ़ोगे आप ही जानो। मैं दिखा दूँ, ये है बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज किया हुआ, आपको उल्टा दिख रहा होगा है ना, क्योंकि ये आगे का कैमरा से है। इसमें क्या लिखा हुआ मैं बता दूँ, और उल्टा दिख रहा है तो बताइए इसको किस दर्पण से आप देख के सीधा कर सकते हो, है ना। आप खुद से देख लेना जिस दर्पण से आपको दिखे, आपने पढ़ा होगा। वैसे मैं बता दूं कि समतल दर्पण जो है आईना, उससे आप देखोगे तो ये आपको सीधा दिखेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ, खैर आप लोग खुद कर लेना, दिख जाएगा। तो इसमें जो है 4-5 आपका मॉडल सेट दिया हुआ है, आप देख लेना मॉडल सेट है उसमें कैसे आएगा। तो आप तो जान ही रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका दोगुना कर दिया गया है, तो आप इससे अगर पढ़ लेते हो तो आप 50% ऑब्जेक्टिव जो है आपका पूरा करेक्ट करके आ सकते हो, और आना भी चाहिए। यदि आपका ऑब्जेक्टिव टोटल करेक्ट हो जाता है और टोटल सही हो जाता है तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। यदि आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा तो आपका सब्जेक्टिव में मार्क्स कट ही जाता है। तो खैर, अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, ये बात आती है। सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ में प्रॉब्लम होती है तो कुछ स्टूडेंट है कि मैथ को पूरा फिर बना देंगे। मैथ में भी मैं बता दूं कि कुछ चैप्टर जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ग्राफ आपका एक पूछता ही है, वही 3 से 4 आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेंगे। तो उनमें से आप ग्राफ तैयार करें, ईजी होता है ग्राफ, और आप ट्रिगोनोमेट्री की अच्छी से तैयारी करना जो VVI क्वेश्चन सब हैं, और जो सिंपल 2-3 चैप्टर की आप तैयारी करना। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा, जिनको आ रहा है तो अच्छी मार्क्स लाने के लिए पूरा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और बात आई सोशल की, सोशल में जो है आपका टॉपिक VVI सब जो सब उसे याद कर लें, और उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, खाली जगह जिसे कहते हैं, उनकी आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। और साइंस में भी ऐसा ही करें, NCERT पर ज़्यादा ध्यान दें, और VVI जो भी लिखाया गया है आपको उसे आप अच्छी तरह पढ़ें। और YouTube पर ज़्यादा वीडियो देखना बंद करें, मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करें, क्योंकि आपका टाइम ही जया हो रहा है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप अच्छा पढ़ लोगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप अच्छा पढ़ने से आप अच्छा कर लोगे ये गारंटी है। तो सब्जेक्टिव का मैंने बता ही दिया कि जो आप लोग जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं टीचर्स ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, उसकी आप अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। और बता दो कि ज़्यादा नहीं आप लोगों का, बहुत कम दिन, करीब 1 महीना 12-13-14 दिन आपको बचा हुआ है, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह भी है। फिर जो स्टूडेंट्स का सेंटर इधर उधर पड़ेगा, उसमें रूम देखने जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। और ये जो सोचोगे कि लास्ट में पढ़ लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ लोगे, लास्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अभी जो मस्ती करोगे उसकी ज़िंदगी बहुत सस्ती कटेगी, और यदि आपके सर्टिफिकेट में कम मार्क्स लिखे गए ना, तो फिर ज़िंदगी भर कम मार्क्स ही लिखे रहेंगे। यदि सर्टिफिकेट में अच्छे मार्क्स लिखे रहे तो ज़िंदगी भर अच्छे मार्क्स ही लिखे रहेंगे। यदि आपसे कोई कहता है कि एक महीने में टॉप कर जाओगे, तो ये गलत कहता है। यदि आपने नहीं पढ़ा 1 साल से तो आप नहीं कर पाओगे 1 महीने में टॉप, लेकिन आप 350 नंबर, 380-375 इतने मार्क्स ला सकते हो जो मैंने जैसे बताया ऐसा करके। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड ने जो रिलीज किया है, इसे आप ख़रीद ही लें, और इसका मैं लास्ट में फ़ोटो भी लगा दूंगा, सीधा फ़ोटो। और ये आपको लगभग बुक सेंटर पर मिल जाएंगे, उनको कहिएगा कि नेट द्वारा, जो इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है 10th का मॉडल पेपर, उसे मुझे आप दीजिए, नहीं है तो आपके पास कहीं से ला के दीजिए। आपके लगभग जगह मिल ही जाता है, खास करके गांव के बच्चों को नहीं मालूम रहता इसके बारे में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा पढ़ के जाएं। इसमें सब में 5-5 के मॉडल सेट हैं, और स्टूडेंट को उर्दू, स्टूडेंट को उर्दू में प्रॉब्लम आती है तो उर्दू में एक पब्लिकेशन है इकबाल, इकबाल पब्लिकेशन है, उससे आपका 100% ऑब्जेक्टिव उससे ही पूछा जाएगा, है ना। लगभग ऑब्जेक्टिव उससे आपका
हंसी जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव का आप तैयारी कर लें उर्दू में। तो अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।